दोस्तों जल्दी से आपके अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि अपना इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, एकदम मजे में होंगे यार। परीक्षाएं बिल्कुल ढंग से दे रहे होंगे अपनी। तो आज हम लोग एक्चुअली क्या करने वाले हैं? आज हम लोग एक बीए पार्ट थर्ड में एक और स्टोरी है आपके, द एंट एंड द ग्रास हॉपर। इसकी भी काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि ये पढ़ानी है सर, तो द एंट एंड द ग्रास हॉपर को हम पढ़ाएंगे। और देखिए किसने लिखी है, ये विलियम समरसेट मॉम, इन्होंने लिखी है। इसको बहुत बच्चे रॉन्ग पढ़ते हैं, ये MAUGHM, ये कोई मॉगम या कुछ और नहीं है, ये है मॉम। इसमें जो ये GH है ना, वो साइलेंट है, तो MAUAM, तो मॉम, विलियम समरसेट मॉम की ये स्टोरी है, द अंट एंड द ग्रास हॉपर। और इसको हम करेंगे, पहले हम थोड़ा सा ऑथर के बारे में जान लेते हैं कि ऑथर एक्चुअल में थे कौन। देखिए, ये एक ब्रिटिश ऑथर थे, मतलब इंग्लैंड के रहने वाले थे। लिखते क्या थे? प्लेज, नाटक लिखते थे, यानी प्ले राइट थे, नॉवलिस्ट थे, उपन्यास लिखते थे, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, और छोटी कहानियां भी लिखा करते थे। ठीक है, साथ में इनकी जो लाइफ स्पेन था ना, वो था 1874, 1874 से लेकर 1965 तक, तो लगभग 91 साल ये इन्होंने अपनी जिंदगी जी एक तरह से। पर बदकिस्मती से सिर्फ 10 साल की उम्र में ये ऑर्फन हो गए, यानी कि अनाथ हो गए। इनके दोनों मम्मी पापा दोनों की डेथ हो गई थी जब ये सिर्फ 10 साल के थे, ओनली 10 ईयर्स ओल्ड। और उसके बाद में इनके एक अंकल थे जिन्होंने इनको मतलब बड़ा किया, पाला पोसा, परंतु वो अंकल भी एक तरह से ठीक है, बच्चे की जिम्मेदारी आ गई, तो वैसे वाले कि हाँ जिम्मेदारी आ गई, जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी, उस तरह से। मतलब इमोशनली अटैच नहीं थे इसके साथ में, इमोशनली उनकी कोई मतलब कोई फीलिंग्स इनके साथ में अटैच नहीं थी, बस रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। इस तरह से उन्होंने इनको पाला पोसा, बड़ा किया, बहुत जल्दी अपने पैरों पर खड़े हो गए फिर बाद में। और इनकी जो पूरी पॉपुलैरिटी है ना, वैसे तो प्लेज भी लिखे हैं, स्टोरीज भी लिखी है, परंतु इनकी पॉपुलैरिटी जो है वो 4 नॉवल्स पे टिकी हुई है, मतलब जिनकी वजह से ये ज़्यादा पॉपुलर हुए अपने टाइम में। वैसे तो अपने टाइम के सबसे हाईएस्ट पेड ऑथर थे, मतलब इनको सबसे ज़्यादा पैसे मिलते थे लिखने के उस टाइम पे, उस तरह के सबसे फेमस, क्योंकि मॉडर्न एज में आते हैं, 1901 से मॉडर्न एज स्टार्ट हो जाती है, विक्टोरियन एरा के खत्म होने के बाद में। विक्टोरियन एरा कब से कब है? 1837 से 1901 तक विक्टोरियन एरा कहलाता है, और 1901 से बाद में मॉडर्न एज है। तो मॉडर्न राइटर थे ये, और उस टाइम के सबसे पॉपुलर राइटर भी थे, सबसे ज़्यादा पैसे मिलते थे इनको लिखने के। तो इनके जो 4 फेमस नॉवेल्स हैं वो कौन कौन से हैं? देखो, तो ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज, जो कि 1915 में आया सबसे पहले, तो ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज, ये नाम आपको याद होने चाहिए, एटलीस्ट ये चारों नाम रट लेना, एक तरह से याद कर लेना, दिमाग में मेमोराइज कर लेना, क्योंकि अगर ऑथर पे क्वेश्चन आ गया ना, तो आप ठीक है, जब भी ऑथर पे क्वेश्चन आता है ना कोई, तो आप लोग क्या करते हो, मतलब आपको क्या करना होता है एक्चुअली, जो आपका सिलेबस में उस ऑथर की जो किताब है, उस किताब के फीचर्स, मतलब उसमें उसने क्या राइटिंग स्टाइल यूज करी है, आप बेसिकली उसी के इर्द गिर्द कुछ बेसिक चीजें लिख देते हो। जैसे कि उसके बारे में जब लिखोगे थोड़ा बहुत ऑथर के बारे में, तो ये बेसिक डिटेल्स आ जाएंगी, जन्म कहाँ हुआ, मतलब क्या लिखते थे, कितनी लाइफ स्पेन थी, वगैरह वगैरह, और फेमस क्या क्या किताबें थी इनकी, और स्टाइल क्या थी लिखने की, ये तो आपको बेसिक आउटलाइन पता होना चाहिए। बाकी आपके सिलेबस में जो चीज़ है ना, मतलब कोई भी लिटरेरी पीस उनका इस्तेमाल किया है, जो सिलेबस में इंक्लूड किया है, उसके अकॉर्डिंग आप को लिखना होता है ऑथर का। आपको ऐसा नहीं, आप सोचते यार ऑथर ने जाने क्या क्या लिखा है दुनिया में, हम कैसे इसकी मतलब उसके बारे में कुछ लिख पाएंगे आंसर में, एक आंसर में, सब कुछ नहीं लिखना होता है। आपके सिलेबस में जो इंक्लूड किया है ना, उसी राइटिंग के आधार पर लिखना होता है, और बेसिक कुछ डिटेल इंक्लूड करनी होती है। तो बेसिक डिटेल तो ये रही, बाकी आपके सिलेबस में जो, जैसे मान लीजिए स्टोरी स्टोरी है आपकी, द आंट एंड द ग्रास हॉपर, इस पर क्वेश्चन आ गया आपको ऑथर का मान लो, तो आंट एंड ग्रास हॉपर में क्या राइटिंग स्टाइल है, उसी के इर्द गिर्द आपको ये बेसिक डिटेल्स बताते हुए आंसर लिखना होगा। तो देखिए, ऑफ ह्यूमन बॉन्डीज 1915 में, द मून एंड द सिक्स पेंस 1919 में, द केक एंड एल ए दैट वॉज इन 1930, एंड द रेजर्स एज 1944 में, 4 नॉवल पॉपुलर नॉवल्स। और राइटिंग स्टाइल देखो क्या थे, सिंपल लिखते थे, इफेक्टिव लिखते थे, कोई फ्लावरी लैंग्वेज नहीं थी। फ्लावरी लैंग्वेज कौन सी होती है, मतलब ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, वो सजा सजाने वाली लैंग्वेज होती है, फ्लावरी लैंग्वेज बोलते हैं उसको, सजाने वाली, वैसी नहीं है, सिंपल लिखते थे, अनअडोर्न्ड, मतलब बिना किसी सजावट के, बिना किसी नखरे के, पर इफेक्टिव लिखते थे। साथ में देखो एक बात ध्यान रखना, जितने भी पॉपुलर राइटर हुए हैं ना, उनकी राइटिंग फ्लावरी नहीं रही, मतलब जो पॉपुलर जनता के बीच में पॉपुलर रहे हैं ना, उनकी राइटिंग हमेशा सिंपल रही, क्योंकि जनता को सिंपल लिख मतलब पढ़ना पसंद है, कौन अपना दिमाग खपाएगा डिक्शनरी लेके बैठेगा, मतलब लोग स्टोरी पढ़ते क्यों हैं, लोग नॉवेल्स पढ़ते क्यों हैं, इंटरेस्ट के लिए। अगर आपको पढ़ते हुए इतना मतलब बहुत दिमाग पे जोर डालना पड़े, यार ये डिक्शनरी उठाओ, ये मोबाइल उठाओ, ये बार बार हर दूसरी लाइन में मीनिंग चेक करो, तो फिर मतलब ही क्या रह गया है। इसलिए पॉपुलर वही हो पाते हैं जो सिंपल लिखते हैं पर इफेक्टिव लिखते हैं।
तो ये उनमें से थे। साथ में इनकी जो राइटिंग्स का जो बैकग्राउंड होता था, मतलब जहाँ पर स्टोरी चलती रहती थी, वो स्टोरी जनरली कॉस्मोपॉलिटन कल्चर की होती है। मतलब कॉस्मोपॉलिटन कल्चर का मतलब है कि सिटीज में, ये मान लो आप। और जनरली क्योंकि इनको बहुत अच्छी समझ थी इंसानी नेचर की, ह्यूमन नेचर की बहुत अच्छी समझ थी, बहुत गहन ज्ञान था कि इंसान किस तरह से एक्ट करता है, इंसान को कितना मतलब फर्क पड़ता है चीज़ों से, आसपास क्या घटनाएं हो रही है उनसे, दूसरे लोगों से कैसे रिश्ते हैं उससे, उनसे कैसे फर्क पड़ता है। एक बहुत ही, अभी स्टोरी पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा, एक बहुत ही फेमस डायलॉग। तो अभी हम शुरू करते हैं स्टोरी को, है ना। तो ये रही अपनी स्टोरी। अब अपनी स्टोरी में देखते हैं हम लोग कि द आंट एंड द ग्रास हॉपर। वैसे तो आप लोगों ने शायद ये कहानी सुनी होगी आंट एंड ग्रास हॉपर की, वो वाली कहानी सुनी क्या कि एक चींटी होती है, पूरी गर्मियों में उसने खाना इकट्ठा किया होता है, और एक ग्रास हॉपर। तो ग्रास हॉपर कौन होता है? टिड्डा, टिड्डे होते हैं ना, उन्हीं को बोलते हैं। तो वो पूरी सर्दियों में, पूरी गर्मियों में उसने कुछ किया नहीं, वो सिर्फ गीत गाता रहा, गुनगुनाता रहा, मजे करते रहा, टाइम पास करता रहा। और जब सर्दियां आई तो आंट के पास तो पर्याप्त खाना था, चींटी के पास तो उसने इकट्ठा किया था, पर ग्रास हॉपर के पास खाने के लिए कुछ था ही नहीं है, वो भूखा मर रहा है। वो वाली कहानी याद है ना। फिर चींटी ने उसको बोला कि तुम क्या कर रहे थे इस पूरी गर्मियों में, उस तरह से उस पर, मतलब चींटी पे एक तरह से निर्भर रहना पड़ा उसको खाने के लिए। तो वो वाली कहानी थी। ये उसी कहानी के बेस पर एक दूसरी कहानी है, मतलब आंट एंड ग्रास हॉपर की कहानी नहीं है, उसका सिर्फ बैकग्राउंड है, उसका सिर्फ बेस है, कि उसी आधार पे इंसानों के बीच में रची गई कहानी है ये एक तरह से। तो देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग फटाफट, लंबी पूरी कहानी है। तो व्हेन आई वाज अ वेरी स्मॉल बॉय, आई वाज मेड टू लर्न बाय हार्ट सर्टिन ऑफ द फेबल्स ऑफ ला फाउंटेन। देखो एक राइटर थे ये ला फाउंटेन, तो इनकी कहानियां थी, तो ये बता रहे जब मैं छोटा बच्चा था तो मुझे इनकी कहानियों को याद करने को कहा गया कि भाई इसे, इनकी कहानी को सीखो, इनकी कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, तुम याद करो इनको, समझो। एंड द मॉरल ऑफ ईच वॉज केयरफुली एक्सप्लेन टू मी, और मुझे बताया गया हर कहानी की जो मॉरल, मॉरल मतलब शिक्षा, क्या शिक्षा मिलती है हर कहानी से, वो मुझे डिटेल में समझाई गई जब मैं छोटा था, मुझे बताया गया। अमंग दोज आई वॉज लर्न्ड आई लर्न्ड वॉज द आंट एंड द ग्रास ऑपर, और उन्हीं में से मैंने आंट एंड ग्रास ऑपर को भी समझा, सीखा इस कहानी को। विच इज डिवाइस टू ब्रिंग होम टू द यंग द यूजफुल लेसन दैट इन एन इम्परफेक्ट वर्ल्ड इंडस्ट्री इज रिवॉर्डेड एंड ग्रीडीनेस पनिश्ड। तो बताते हैं कि ना उसी कहानी में एक चीज जो इन्होंने नोटिस करी कि जो ये वर्ल्ड है ना, ये क्या है, इम्परफेक्ट वर्ल्ड है, उससे खास लेसन मिला इनको उस कहानी से, क्या ये संसार है वो इम्परफेक्ट है, इसमें सब कुछ सही नहीं है, और इसमें इंडस्ट्री तो रिवॉर्डेड की है, मतलब रिवॉर्ड मिलता है, यानी कि इंडस्ट्री मतलब मेहनत, ये इंडस्ट्री वो फैक्ट्री वाली इंडस्ट्री नहीं है एक्चुअली। इंडस्ट्री का मतलब कोई बोलते हैं ना कि वो पर्सन बहुत इंडस्ट्रियस है, इंडस्ट्रियस का मतलब बहुत मेहनत करने वाला, तो इंडस्ट्री। तो इस संसार में क्या है, मेहनत तो रिवॉर्डेड होती है, मतलब मेहनत की तो, मेहनत का तो फल मिलता है, ये शिक्षा मिली। मतलब बता रहा है कि आंट एंड ग्रास ऊपर जब मैंने पढ़ी कहानी बचपन में, तो मुझे उससे क्या शिक्षा दी गई, मुझे दी गई शिक्षा कि भाई जो मेहनत करता है उसको क्या मिलता है, फल मिलता है, इनाम मिलता है, और जो ग्रीडीनेस शो करता है यानी जो फालतू में टाइम वेस्ट करता है उसको सजा मिलती है, पनिशमेंट। तो ये मुझे एक शिक्षा मिली। इन दिस एडमायरेबल फेबल आई अपोलोजाइज फॉर टेलिंग समथिंग विच एवरीवन इज पोलाइटली बट इनएक्जैक्टली सपोज टू नो। तो वो बता रहे हैं कि इस कहानी के बारे में, इन दिस एडमायरेबल फेबल, वो बोल रहे हैं कि ये जो कहानी है इतनी प्रशंसनीय कहानी है, सब इसकी प्रशंसा करते हैं, तो मैं आई अपोलोजाइज फॉर टेलिंग समथिंग, मैं कुछ बताना चाहता हूँ जिसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अपोलोजाइज मतलब मैं माफी चाहता हूँ कि मैं कुछ बताना चाहूंगा आपको जो सबको पता तो होता है परंतु सही तरह पता नहीं होता, सब उसके बारे में जानते पर सही तरह नहीं जानते, मैं वो बात बताने वाला हूँ कि द आंट स्पेंड्स अ लेबोरियस समर गैदरिंग इन विंटर स्टोर, कि आंट ने पूरी गर्मियां गुजारी, यानी जो चींटी थी उसने पूरी गर्मियां गुजारी मेहनत करके, लेबोरियस समर, बहुत मेहनती गर्मियां गुजारी, किसका, किस चीज में, गैदरिंग इट्स विंटर स्टोर, यानी सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा करने में। वाइल द ग्रास ऑपर सिट्स ऑन द ब्लेड ऑफ ग्रास सिंगिंग टू द सन, और जो ग्रास ऑपर था यानी जो टिड्डा था, वो पूरी गर्मियां घास के तिनके पर बैठा रहा और सूरज की तरफ देख के गाना गुनगुनाता रहा। विंटर कम्स एंड द आंट इज कंफर्टेबली प्रोवाइडेड फॉर, अब सर्दियां आई तो आंट के पास यानी चींटी के पास तो पर्याप्त खाना था, वो आराम से अपना समय व्यतीत कर रही थी। बट द ग्रास ऊपर हैज एन एम्प्टी लार्डर, परंतु ग्रास ऊपर के पास में खाने के लिए कुछ नहीं। ही गोज टू द आंट, वो आंट के पास में गया, एंड बैग्स फॉर लिटिल फूड, और उसने भीख मांगी खाने के लिए कि मुझे कुछ खाना दे दो। देन द आंट गिव्स हिम क्लासिक आंसर, तो उस चींटी ने उसको क्या बोला, एक जबरदस्त आंसर दिया उसने कि व्हाट वर यू डूइंग इन द समर टाइम, कि तुम गर्मियों में क्या कर रहे थे। तो सेविंग योर प्रेजेंस आई सैंग ऑल डे ऑल नाइट, तो बोलता है कि जी मैं तो पूरी गर्मियां, मतलब खुश होकर बोलता है मैं तो पूरी गर्मियां एक तरह से दिन रात गाना गुनगुना रहा था भाई। यू सैंग वाई, देन गो एंड डांस, तो बोलते अच्छा तुम गुनगुना रहे थे, जाओ तुम नाचो, गाना गाया अब नाचो जाके, मैं खाना वाना नहीं देने वाली, मतलब एक तरह से उस एटीट्यूड में, जाओ गुनगुनाया गर्मियों में, अब सर्दियों में नाचो।
आई डू नॉट एस्क्राइब इट टू परवर्सिटी ऑफ माई पार्ट बट रादर टू द इनकॉन्सिक्वेंस ऑफ चाइल्ड हुड बट रादर टू द इनकॉन्सिक्वेंस ऑफ चाइल्ड हुड. देखो वो बोल रहा है कि आई डू नॉट एस्क्राइब इट टू द परवर्सिटी ऑन माई पार्ट, यानी कि मैं परवर्सिटी का मतलब होता है उद्दंडता, कि मैं इसे अपनी उद्दंडता नहीं मानता. वो कुछ बोलने वाला है उसके लिए बोल रहा है पहले कि मैं इसे अपनी उद्दंडता नहीं मानना चाहता, मतलब नहीं मानता, बट रादर टू द इनकॉन्सिक्वेंस ऑफ चाइल्ड हुड, परंतु इसे चाइल्ड हुड का एक परिणाम मानूंगा मेरे बचपन का, कि विच इज डेफिशिएंट इन द मॉरल सेंस, कि मुझमें वो पर्याप्त नैतिक शिक्षा मिल नहीं पाई मुझे कि मैं ये बात बोलने वाला हूँ, दैट आई कुड नेवर क्वाइट रिकनसाइल माई सेल्फ टू द लेसन, कि मैं इस शिक्षा के साथ में कभी भी संतुष्ट नहीं था, मतलब इसके साथ में तालमेल नहीं बिठा पाया. कौन सी शिक्षा? कि मेहनत का फल जरूर मिलता है. वो बोल रहा है कि मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि मेहनत का फल मिलता है, मतलब वो ये इस चीज को नकार रहा है, कि ये मेरी उद्दंडता है कि मैं इस चीज को नकार रहा हूँ एक तरीके से. हो सकता है कि मुझे अपने बचपन में पर्याप्त नैतिक शिक्षाएं नहीं मिली, इसलिए शायद मैं इस नैतिक शिक्षा को, इस मॉरल को, इस शिक्षा को मैं नकार रहा हूँ कि पर्याप्त, मतलब आप मेहनत करोगे तो आपको फल मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है. तो माई सिंपथीज वर विद द ग्रास ऑपर एंड फॉर सम टाइम आई नेवर सॉ एन आंट विदाउट पुटिंग माई फुट ऑन इट. तो वो क्या बोल रहा था? बोल रहा है कि मेरी जो सिंपथी, मेरी जो सहानुभूतियां थी ना, वो किसके साथ में थी? टिड्डे के साथ में थी, ग्रास ऑपर के साथ में. एंड फॉर सम टाइम, और कुछ समय तो ऐसा गुजरा, आई नेवर सॉ एन आंट विदाउट पुटिंग माई फुट ऑन इट, कि मैंने कोई चींटी ऐसी जाने नहीं दी जिसमें मैंने पैर नहीं रखा हो. मतलब उसको चींटी से हो गई नफरत, कि यार बेचारा भूखा, सर्दियों में उसको खाना देने से मना कर दिया. तो कुछ समय तक ऐसा रहा कि मेरी सिंपैथी किसके साथ रही? ग्रास ऊपर साथ में, और मैं हर चींटी को मार देता, पैर रख देता उस पे. इन दिस समरी एंड एज आई हैव डिस्कवर्ड सिंस एंटायरली ह्यूमन फैशन आई सॉट टू माई एक्सप्रेस माई डिसअप्रूवल ऑफ प्रूडेंस इन कॉमन सेंस. देखो तो वो ये बता रहे हैं कि इस कहानी के थ्रू एक चीज बोल रहे हैं वो, कुल मिला के देखो ये जो बोल रहे हैं ना, कि इन दिस समरी एंड एज आई हैव डिस्कवर्ड सिंस एंटायरली ह्यूमन फैशन आई सॉट टू एक्सप्रेस माई डिसअप्रूवल ऑफ प्रूडेंस इन कॉमन सेंस, मतलब वो ये है कि मैं इस चीज को नकार रहा हूँ. कुल मिला के बात यह है, मैं इस चीज पे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ. देखो कैसे, अब आगे वो बताता है, कहानी बताता है कि आई कुड नॉट हेल्प थिंकिंग ऑफ दिस टेबल व्हेन द अदर डे आई सॉ जॉर्ज रामजे लंचिंग बाय हिमसेल्फ इन रेस्टोरेंट. बोलता है कि मुझे ये कहानी जरूर उस वक्त याद आ जाती है, आई कुड नॉट हेल्प थिंकिंग ऑफ दिस टेबल, यानी मैं खुद को रोक नहीं पाता हूँ. कुड नॉट हेल्प, ये जो कुड नॉट हेल्प, इस तरह के जो फ्रेज होते हैं ना, इनका मतलब ये होता है कि नहीं रोक पाता हूँ खुद को किस चीज में, थिंकिंग ऑफ दिस टेबल, इस कहानी के बारे में सोचने के बारे में मैं खुद को नहीं रोक पाता, मतलब इस कहानी के बारे में सोचने लग जाता हूँ. कब? व्हेन द अदर डे आई सो, जब मैं उस दिन, मतलब मैंने जॉर्ज रामजे को जब देखता हूँ, कभी भी जब जॉर्ज रामजे को देखता हूँ और पाया मैंने कि वो रेस्टोरेंट में अकेला बैठा हुआ है और लंच कर रहा है, तो मतलब उसको देख के कहानी याद आई उसको, ये वाली आंट एंड ग्रास ऊपर वाली. क्या घटना हुई अब देखो, बताएगा कि आई नेवर सॉ एनी वन वियर एन एक्सप्रेशन ऑफ सच डीप ग्लूम, मैंने कभी किसी को इतना भयंकर, मतलब गुस्से में नहीं देखा, इतने ज्यादा गुस्से, मतलब गुस्से सॉरी मतलब दुख में, अवसाद में नहीं देखा. ही वॉज स्टेयरिंग इन टू स्पेस, वो बस खाली जगह पे एक घूर रहा था इस चीज को. ही लुक्ड एज दो द बर्डन ऑफ द होल वर्ल्ड सैट ऑन हिज शोल्डर्स, वो ऐसा दिखाई प्रतीत हो रहा था. ही लुक्ड वो ऐसा दिख रहा था एज दो द बर्डन ऑफ द होल वर्ल्ड सैट ऑन हिज शोल्डर्स, जैसे पूरी दुनिया का बर्डन, बर्डन ऑफ द होल वर्ल्ड मतलब पूरे संसार का बोझ, पूरे संसार का बोझ क्या हो गया, उसके कंधों पे आके गिर गया है, ऐसा वो दिखाई प्रतीत हो रहा था. आई वॉज सॉरी फॉर हिम, मुझे उसके लिए बुरा फील हो रहा था. आई सस्पेक्टेड एट वंस दैट हिज अनफॉर्चुनेट ब्रदर हैड बीन कॉजिंग ट्रबल अगेन, मुझे शक हुआ. आई सस्पेक्टेड मतलब मुझे शक हुआ किस बात पे, कि शायद उसका जो अनफॉर्चुनेट ब्रदर है, यानी उसका जो दुर्भाग्यपूर्ण भाई है ना, वही दोबारा मुसीबत क्रिएट कर रहा है इसके लिए. आई वेंट अप टू हिम एंड हेल्ड आउट माई हैंड, मैं उसके पास में गया और उससे मतलब बात करी कि हाउ आर यू, मैंने उससे पूछा हाउ आर यू, कैसे हो तुम. आई एम नॉट इन हिलेरियस स्पिरिट, आंसर उसने बोला कि मैं बहुत खुश नहीं हूँ. हिलेरियस स्पिरिट का मतलब मैं बहुत प्रसन्न नहीं हूँ. इज इट टॉम अगेन, क्या दोबारा टॉम की बात है, मतलब उसके भाई का नाम टॉम है, कि क्या दोबारा टॉम का मैटर है क्या. ही साइड, उसने हाँ भर के बोला, यस इट्स टॉम अगेन, हाँ ये टॉम ही है दोबारा, उसकी वजह से मैं परेशान हूँ. वाई डोंट यू चक हिम, यू हैव डन एवरीथिंग इन द वर्ल्ड फॉर हिम, यू मस्ट नो बाई नाउ दैट ही इज क्वाइट होपलेस. तो जो ये राइटर हैं, जो ही नैरेटर भी है इसमें, कहानी सुना भी रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि व्हाई डोंट यू चक हिम, तुम चक हिम मतलब छोड़ देते हैं, तुम उसे छोड़ क्यों देते हैं, निकाल दो उसको. यू हैव डन एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड फॉर हिम, तुमने आज तक इस संसार में हर, मतलब उसके लिए हर सब कुछ किया तुमने, तुमने मतलब सब कुछ किया उसके लिए, तो यू मस्ट नो बाय नाउ दैट ही इज क्वाइट होपलेस, तुम्हें अब तक तो पता लग जाना चाहिए कि भाई वो बिल्कुल बेकार है, उसका कुछ नहीं हो सकता है. ही इज क्वाइट होपलेस, क्वाइट होपलेस का मतलब देखो, होपलेस का मतलब एक होता है निराशावादी, निराश हो जाना, परंतु यहाँ पर ही इज क्वाइट होपलेस का मतलब तुम्हें उससे अब कोई मतलब उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, वो ना उम्मीद है, मतलब वो बेकार है तुम्हारे लिए, वो कुल मिला के किसी काम का नहीं है. आई सपोज मतलब उसमें सुधार होने का कोई चांस नहीं है. बात यह है,
आई सपोज एवरी फैमिली हैज़ अ ब्लैक शीप। अब राइटर हैं जो मतलब जो नैरेटर हैं वो बता रहे हैं, डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं खुद ही कहानी को आगे सुना रहे हैं कि देखो आई सपोज एवरी फैमिली हैज़ अ ब्लैक शीप। मैं मानता हूँ कि हर फैमिली में एक ब्लैक शीप होता है। ब्लैक शीप का मतलब एक ऐसा पर्सन जो कहने का मतलब होता है कि सबसे अलग हो, और अलग भी नेगेटिव सेंस में, नकारात्मकता में। टॉम हैड बीन अ सोर ट्रायल फॉर 20 ईयर्स। 20 साल से टॉम को झेल रहे हैं एक तरह से। ही हैड बिगन लाइफ डिसेंटली ना, टॉम के बारे में बता रहे हैं कि टॉम ने अपनी जिंदगी बहुत अच्छी तरह शुरू की थी। ही वेंट इन टू बिजनेस, उसने बिजनेस शुरू किया, शादी करी और 2 बच्चे भी थे। द रामजेज वर परफेक्टली रिस्पेक्टेबल पीपल एंड देर वॉज एवरी रीजन टू सपोज दैट टॉम रामजे वुड हैव इज यूजफुल एंड ऑनरेबल कैरियर। अब जो रामजे फैमिली थी ना वो क्या थी, परफेक्टली रेस्पेक्टेबल, वो अच्छे खासे सम्मानीय लोग थे, परिवार वाले उसके पूरी रामजे फैमिली के। एंड देर वर इजिली एंड देर वॉज एवरी रीजन टू सपोज, और उसमें कोई कारण नहीं था, मतलब हर एक कारण से आप ये मान सकते हो कि टॉम रामजे को भी एक अच्छा और सम्मानीय कैरियर मिलने वाला था, मतलब वो भी सम्मानीय कैरियर बना था। बट वन डे, पर एक दिन विदाउट वार्निंग, बिना किसी वार्निंग के, ही अनाउंस दैट ही डिड नॉट लाइक वर्क। उसने बोल दिया कि भाई मुझे ये काम पसंद नहीं है, मुझे काम ही पसंद नहीं है, मतलब उसने बोल दिया कि मुझे बिजनेस करना मुझे नहीं पसंद आ रहा। एंड ही वॉजेंट सुटेड फॉर मैरिज, और मैं शादी के लिए भी नहीं बना हूँ, मतलब वो शादी को भी नकारने लग गया। ही वॉन्टेड टू एन्जॉय हिमसेल्फ, वो बोला कि मैं तो बस खुद से मजे करना चाहता हूँ अब लाइफ में। ही वुड लिसन टू नो एक्सपोस्टुलेशन। ओके, एक्सपोस्टुलेशन का मतलब होता है कि किसी का कोई अपोजिशन फेस नहीं करना, मतलब किसी का विरोध मतलब आप फेस नहीं करोगे। तो देखो क्या बोल रहा है कि एक्सपोस्टुलेशन का मतलब होता है कि विरोध करना। तो देखो यहाँ पर ये वाक्य बन रहा है कि ही वुड लिसन टू नो एक्सपोस्टुलेशन, यानी कि वो किसी का विरोध सुनने को तैयार नहीं था, मतलब वो किसी का अपोजिशन सुनने को तैयार नहीं था। अगर कोई इसको उसने जो ये डिसीजन लिया कि मैं काम के लिए नहीं बनाऊं, मैं शादी के लिए नहीं बनाऊं, मैं तो मजे करूंगा जिंदगी में, तो इस बात पे वो किसी का विरोध सहन करने को रेडी नहीं था। ही लेफ्ट इज वाइफ एंड इज ऑफिस, उसने अपना घर छोड़ दिया, अपनी पत्नी छोड़ दी, अपना ऑफिस भी छोड़ दिया। ही हैड ए लिटिल मनी एंड स्पेंड 2 हैप्पी ईयर्स इन द वेरियस कैपिटल्स ऑफ यूरोप। उसके पास में जो उसने कमाया था पैसा, तो उस पैसे से उसने क्या किया, 2 साल तक यूरोप के मुख्य मुख्य शहरों, मतलब देशों के जो राजधानियां थी उन सब में घूमा, मजे किए, ऐसे 2 साल पूरे ऐसे गुजारे। ठीक है, यूरोप के अलग अलग कैपिटल्स में ऐसे गुजारे, ऐस किए खूब। रूमर्स ऑफ इज डूइंग री रिजर्वेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड देवर प्रोफाउंडली शॉक्ड। और अफवाहें उसके बारे में, अफवाहें उसके परिवार वालों तक पहुंचती रही बार बार, टाइम टाइम, और वो बड़े शौक थे। ही सडनली हैड वेरी गुड टाइम, कि उसको यार ये तो बड़े मजे कर रहा है, इतना अच्छा टाइम बिता रहा है। पर उनको एक बात बता, दे शुक देयर हेड्स एंड आस्क्ड व्हाट वुड हैपन व्हेन हिज मनी वाज स्पेंट। परंतु अपना सिर हिलाते बोलते कि ठीक है, खूब मजे से गुजार दिए 2 साल, परंतु तब क्या होगा जब पैसे खत्म हो जाएंगे, मनी स्पेंट हो जाएगी। दे सून फाउंड आउट, कुछ दिनों पता चला कि हाँ हो गए पैसे खत्म उसके। ही बोरोड, परंतु उसने तो उधार ले लिया। ही वॉज चार्मिंग एंड अनस्क्रूपलस, अब देखो वो दिखने में था चार्मिंग, मतलब उसकी जो पर्सनैलिटी थी ना बहुत ही अट्रैक्टिव थी, यानी कि लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाते थे, किसी तरफ, टॉम की तरफ। तो चार्मिंग था वो, साथ में अनस्क्रूपलस था। अनस्क्रूपलस मतलब अनप्रिंसिपल्ड, जिसके कोई सिद्धांत ही ना हो, जिंदगी में किसी सिद्धांत को फॉलो नहीं करता हो। चार्मिंग तो था पर कोई सिद्धांत फॉलो नहीं करता था। आई हैव नेवर मेट एनी वन टू होम इट वॉज मोर डिफिकल्ट टू रिफ्यूज अ लोन। तो जो नैरेटर है ना, जो राइटर है, वो बोल रहे हैं कि मैंने आज तक, मैं ऐसे किसी इंसान से नहीं मिला हूँ, मैं आई हैव नेवर मेट एनीवन, मैं किसी से नहीं मिला हूँ ऐसा जो टू हुम इट वाज मोर डिफिकल्ट टू रिफ्यूज ए लोन, कि जिसको लोन देना के लिए मना करना मुश्किल हो। मतलब टॉम जैसा किसी आज तक मैंने इंसान को नहीं देखा जिसको लोन देने से मना कर सके। मतलब हम इतने अट्रैक्ट हो जाते हैं उसकी पर्सनैलिटी से, इतने इंप्रेस हो जाते हैं कि हम उसको मना ही नहीं कर पाते लोन देने के लिए, हम लोन दे ही देते हैं ना करते करते भी। तो ऐसा मतलब राइटर जो है, नरेटर है, वो ऐसे किसी इंसान से मिला नहीं टॉम के अलावा आज तक, वो बता रहे हैं कि देखो ही मेड स्टडी इनकम फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड ही मेड फ्रेंड्स इजली। अब वो उसने फ्रेंडों से ऐसे पैसे इकट्ठे कर लिए टॉम ने, और वो बहुत जल्दी फ्रेंड भी बना लेता था, लोग उसे अट्रैक्ट हो जाते थे तो फ्रेंड भी बन जाते थे उसके इजीली। बट ही ऑलवेज सेड दैट मनी यू स्पेंट ऑन नेसेसिटीज वाज बोरिंग, द मनी दैट वाज अम्यूजिंग टू स्पेंड वाज द मनी यू स्पेंट ऑन लग्जरीज। और टॉम हमेशा बोला करता था कि जो पैसा तुम अपनी जरूरतों के ऊपर खर्च करते हो वो तो बोरिंग पैसा है, नेसेसिटीज मतलब जो आधारभूत चीजों पे खर्च करते हो ना वो तो बोरिंग है, ऐसा कौन ऐसा खर्च करना नहीं चाहिए, पैसा कहाँ खर्च करना चाहिए, पैसा कौन सा स्पेंड होना चाहिए, पहला पैसा स्पेंड होना चाहिए आपकी लग्जरीज पर, यानी कि ऐशो आराम पे। उसकी ये सिद्धांत था, मतलब वैसे कोई सिद्धांत नहीं था पर वो ऐसा बोलता था कि जो पैसा तुमने अपनी जरूरतों पर खर्च किया वो क्या खर्च किया, मतलब आवश्यक चीजों पर, खाने पीने रहने पर खर्च किया वो क्या खर्च किया, जब तक मजे नहीं किए लाइफ में तो क्या किया। वो इस बात पर बिलीव करता था, पैसा वहीं खर्च करो जहाँ मजे हों। फॉर दिस ही डिपेंडेड ऑन हिज ब्रदर जॉर्ज, और इस चीज के लिए
वो डिपेंड होने लगा अपने भाई जॉर्ज के ऊपर। ही डिड नॉट वेस्ट हिज चार्म ऑन हिम, और कहने का मतलब उसका असर उस पर भी चढ़ने लगा, उसके भाई के ऊपर, उसके चार्म का। जॉर्ज वॉज ए सीरियस मैन, परंतु जॉर्ज जो था एक गंभीर व्यक्ति था, एंड इनसेंसिबल टू सच एंटिसमेंट, और उसके ऊपर वो एक्चुअली ऐसे एंटाइसमेंट, यानी जो ऐसा प्रलोभन, मतलब एंटाइसमेंट का मतलब सामने वाला लुभा रहा है वो, एक तरह से उसकी तरफ इनसेंसिबल था, मतलब उसने इस बात पे ना गौर नहीं किया। जॉर्ज वॉज रेस्पेक्टेबल, जॉर्ज का समाज में सम्मान था। वंस और ट्वाइस ही फेल टू टॉम्स प्रोमिसेज ऑफ अमेंडमेंट एंड गेव हिम कंसिडरेबल सम्स इन ऑर्डर दैट ही माइट मेक ए फ्रेश स्टार्ट। एक से दो बार, मतलब एक आध बार क्या हुआ, टॉम की प्रोमिसेज के चक्कर में, टॉम ने प्रोमिस किया होगा, हाँ भाई मेरे को पैसे दे दे यार, मैं कुछ दिन बाद तेरे को लौटा दूंगा, अपने भाई से मतलब पैसे लिए, तो वो एक दो बार तो उसके चक्कर में फंस गया, और उसने अच्छे खासे पैसे उसको दे दिए टॉम को, कि कहीं ये दोबारा से अपनी ज़िंदगी शुरू कर ले वापस से, तो बढ़िया होगा, भाई ये भाई की हेल्प तो करेगा ही, फ्रेश स्टार्ट कर ले। पर ऑन दिस टॉम बॉट ए मोटर कार एंड सम वेरी नाइस ज्वेलरी, परंतु जो उसने पैसे अपने भाई जॉर्ज से लिए, उसका उसने क्या किया, टॉम ने खरीद ली मोटर कार और कुछ ज्वेलरी गहने खरीद लिए, लो उड़ा दिए पैसे। बट वेन सर्कमस्टेंसेज फोर्स्ड जॉर्ज टू रियलाइज दैट इज ब्रदर वुड नेवर सेटल डाउन, एंड ही वेस्ड एंड ही वॉश्ड हिज हैंड्स ऑफ हिम। अब देखो, जब इन परिस्थितियों के बारे में मतलब पता चला, मतलब जॉर्ज ने देखा, जॉर्ज एकदम फोर्स हो गया, जॉर्ज इन परिस्थितियों को देख के फोर्स हो गया कि भाई ये तो नहीं सुधरने वाला है, ये कभी भी अपनी जिंदगी में वुड नेवर सेटल डाउन, अपनी जिंदगी में कभी भी सेटल डाउन यानी एक जगह स्थायी जीवन नहीं व्यतीत करेगा, तो उसने भी अपने हाथ खींचना शुरू कर दिए टॉम की तरफ से। तो इस बात पे टॉम विदाउट ए क्वेल बिगिन टू ब्लैकमेल हिम, और इस बात जब उसने ध्यान देना बंद कर दिया, जॉर्ज ने अपने भाई टॉम की हेल्प करना बंद कर दिया, तो टॉम क्या करने लगा, एक तरह से बिना किसी संकोच के, विदाउट ए क्वेल मतलब बिना किसी संकोच के, बिगिन टू ब्लैकमेल हिम, उसको ब्लैकमेल करने लगा अपने भाई को। इट वॉज नॉट वेरी नाइस फॉर ए रेस्पेक्टेबल लॉयर टू फाइंड हिज ब्रदर शेकिंग कॉकटेल्स बिहाइंड द बार ऑफ हिज फेवरेट रेस्टोरेंट, और टू सी हिम वेटिंग ऑन द बॉक्स सीट ऑफ ए टैक्सी आउटसाइड हिज क्लब। अब टॉम तो एक लॉयर है, सॉरी मतलब जॉर्ज तो लॉयर है, तो किसी भी रेस्पेक्टेबल लॉयर, यानी किसी भी रेस्पेक्टेबल लॉयर के लिए ये कोई अच्छी बात नहीं है कि उसका भाई जो उस मतलब उसका फेवरेट है, मतलब जॉर्ज का जो फेवरेट रेस्टोरेंट है, मतलब बार है, उस बार के में उसका भाई क्या कर रहा है, सर्व कर रहा है दारू, दूसरों को दे रहा है दारू सर्व कर रहा है, तो ये देख के किसी भी सम्माननीय लॉयर को अच्छा नहीं लगेगा कि उसका भाई ऐसा काम कर रहा है या फिर टैक्सी चला रहा है, ऐसे काम को देख के खुश नहीं होगा कोई भी रेस्पेक्टेबल लॉयर, अपने भाई को ऐसे काम करते हुए देख के खुश नहीं होगा। टॉम सेड दैट टू सर्व इन बार और टू ड्राइव टैक्सी वाज अ परफेक्टली डिसेंट ऑक्यूपेशन, और टॉम का मानना था कि बार में वेटर का काम करना या फिर टैक्सी ड्राइव करना भी अच्छा ऑक्यूपेशन, अच्छा धंधा है, मतलब परफेक्टली डिसेंट ऑक्यूपेशन। बट इफ जॉर्ज कुड ऑब्लाइज हिम विद ए कपल ऑफ 100 pounds, ही डोंट माइंड फॉर द ऑनर ऑफ द फैमिली गिविंग इट अप। परंतु अगर वो ऐसा काम करके जॉर्ज को मना सके कि वो कुछ कुछ 100 pound उसको और दे दे, मतलब देखो वो ऐसा काम कर रहा है गिरावा, मतलब काम कोई गिरावा नहीं होता, पर जॉर्ज की नजरों में वो काम नीचा काम है, बार में काम करना, टैक्सी चलाना, क्योंकि वो खुद लॉयर है और अच्छे फैमिली से बिलोंग करता है, रामजे फैमिली, तो अगर वो अपने भाई को देखेगा ऐसा ऐसा काम कर रहा है, तो उसको अपनी फैमिली की इज्जत की परवाह होगी, तो क्या पता वो पैसे दे देगा टॉम को, भाई तू काम बंद कर दे, ले पैसे ले ले। और तो टॉम ये तरीका अपना रहा था कि अगर उसका भाई अपनी फैमिली की इज्जत को बचाने के लिए उसको कुछ 100 pound और दे दे, तो इसमें क्या ही बुरा ऐसा काम करने में। और फिर जॉर्ज ने उसको दे भी दिए। वंस टॉम नियरली वेंट टू प्रिजन, जॉर्ज वॉज टेरेबली अपसेट। एक बार टॉम जेल तक जेल में भी जाने से एकदम बची, मतलब ऑलमोस्ट जेल तक पहुंच गया था, और जॉर्ज बहुत ज्यादा अपसेट था। ही वेंट इन टू द होल डिस्क्रेडिबल अफेयर, रियली टॉम हैड गॉन टू फार, मतलब उसने उस वक्त टॉम को ज्यादा अपनी हद से पार कर चुका था। ही हैड बीन वाइल्ड थॉटलेस एंड सेल्फिश, तो वो हमेशा से ही जंगली व्यवहार करता था, थॉटलेस, बिना सोच समझे कुछ भी कर लेता था, सेल्फिश, स्वार्थी भी था, परंतु बट ही हैड नेवर बिफोर डन एनीथिंग डिसऑनेस्ट, पर उसने इस कांड से पहले कभी भी कुछ भी डिसऑनेस्ट नहीं किया था, मतलब कुछ भी इलीगल काम नहीं किया, अवैध काम नहीं किया था। बाई विच जॉर्ज मेंट इलीगल, मतलब उसका मतलब, जॉर्ज का कहने का मतलब है कि उसने वो आज तक मतलब क्या बोलते, सेल्फिश रहा, स्वार्थी भी रहा, थॉटलेस था, वाइल्ड भी रहा, परंतु उसने कभी भी इलीगल काम तो नहीं किया था, एटलीस्ट कोई कोई अवैध काम तो नहीं किया था, किसी तक धोखाधड़ी तो नहीं की थी आज तक। एंड इफ ही वर प्रोसिक्यूटेड ही वुड अश्योरली बी कन्विक्टेड, और अगर उस वक्त उसके खिलाफ केस चल जाता और सजा सुना दी जाती, मतलब केस चल जाता ना, तो डेफिनेटली सजा होनी होनी थी उसको। परंतु बट यू कैन नॉट अलाउ योर ओनली ब्रदर टू गो टू द ग्यावल, परंतु तुम अपने इकलौते भाई को ग्यावल मतलब जेल में तो जाने नहीं दोगे, तो फिर जॉर्ज ने बचा लिया एक तरह से। द मैन टॉम हैड चीटेड
हुआ क्या था, टॉम ने क्या किया था, एक आदमी को चीट किया था, धोखा दिया था, मैन कॉल्ड क्रॉनशो, उस आदमी का नाम था क्रॉनशो। तो ही वॉज डिटरमिंड टू टेक द मैटर इन टू द कोर्ट। तो वो जो क्रॉनशो आदमी था ना, वो कोर्ट में मैटर को ले जाना चाहता था। ही सेड टॉम वॉज ए स्काउंडल एंड शुड बी पनिश। और वो बोल रहा था टॉम एक धोखेबाज आदमी है और इसको पनिश, इसको सजा मिलनी चाहिए। इट कॉस्ट जॉर्ज एन इन्फिनाइट डील ऑफ ट्रबल एंड 500 पाउंड टू सेटल द अफेयर। और इस चीज को सेटल करने में, इस चीज का निपटारा करने में, इस केस का निपटारा करने में जॉर्ज को बहुत मुसीबत झेलनी पड़ी, और लगभग 500 पाउंड, 500 पाउंड उसको देने पड़े सेटल करने के लिए इस मैटर को, भाई मतलब बाहर से ही मामला सुलझाने के लिए, ताकि इसको भाई जेल ना जा पाए। आई हैव नेवर सीन हिम इन सच ए रेज एज वेन ही हर्ड द टॉम एंड क्रॉनशो हैड गॉन ऑफ टुगेदर टू मॉन्टे कार्लो द मोमेंट दे क्रैश कैश द चेक। और देखो उस वो इतना ज्यादा ही है, मतलब जो नैरेटर है जो कहानी सुना रहे हैं वो बोल रहे हैं कि मैंने जॉर्ज को कभी इतना भयंकर गुस्से में देखा। आई हैव नेवर सीन हिम इन सच अ रेज, मैंने इतना गुस्से में जॉर्ज को कभी नहीं देखा। एज वेन, जब उसने सुना, किसने, जॉर्ज ने जब ये सुना कि टॉम और वही क्रॉनशो जिससे जिसके साथ मतलब जो उसके खिलाफ केस करने वाला था, टॉम के खिलाफ जिसके साथ में धोखाधड़ी करी, वही क्रॉनशो और टॉम दोनों साथ मिलकर कहाँ चले गए, मोंटे कार्लो। जैसे ही क्रॉनशो को $500 का चेक, 500 पाउंड का चेक मिल गया, यानी जैसे ही क्रॉनशो को पैसे मिल गए, वो दोनों साथ में मोंटे कार्लो घूमने निकल गए, और उन्होंने वहां पे दे स्पेंट ए हैप्पी मंथ देयर, साथ में 1 महीना मजे से गुजारा। देखो हुआ क्या, समझ गए होंगे आप, नकली नाटक किया क्रॉनशो ने, झूठा केस दाखिल किया, वो कभी कोर्ट में जाने वाला था ही नहीं, डराया अपने भाई टॉम को, धमकाया एक तरीके से, मतलब इनडायरेक्टली धमकाया कि जेल में ले जाऊंगा तेरे भाई को, देख जेल चला जाएगा, कोर्ट में ले जाऊंगा इसको। तो उसके भाई ने मतलब जॉर्ज ने पैसे दे दिए क्रॉनशो को, मेडल सॉल्व कर लिया 500 पाउंड में, और वो तो बस जैसे ही मैटर सॉल्व हुआ, पैसे उनके पास पहुंचे, टॉम और क्रॉनशो दोनों फुर्र हो गए एकदम। कहाँ पहुंच गए, मॉन्टे कार्लो, मजे करने के लिए जगह है मॉन्टे कार्लो, एक फेमस जगह। तो और वहां पर 1 महीना बिताया। इस बात पे जॉर्ज को बहुत जबरदस्त गुस्सा आया था, ये नैरेटर बोल रहे हैं कि ऐसा मैंने गुस्से में कभी देखा नहीं था जॉर्ज को। फॉर 20 ईयर्स, 20 साल टॉम रेज्ड इन गैम्बल। टॉम ने मतलब इधर उधर भटका और गैम्बल्ड, मतलब उसने क्या किया, जुआ किया, जुआ खेला, फ्लैंडर्ड, पैसे उड़ाए विद द प्रिटीएस्ट गर्ल, सुंदर सुंदर लड़कियों को पैसे उठाए, डांस नाच गाना करता रहा, एट इन द मोस्ट एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट, सबसे महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खाया, एंड ड्रेस ब्यूटीफुली, और सुंदर सुंदर कपड़े पहने, मतलब उसने पूरे मजे किए 20 साल, 20 साल तक वो उसने सारी लाइफ के मजे किए। ही ऑलवेज लुक्ड एज इफ ही हैड जस्ट स्टेप्ड आउट ऑफ ए बैंड बॉक्स। और वो है ना, हमेशा ऐसा लगता था जैसे कि एकदम, मतलब कहने का मतलब है कि वो 20 साल के बाद में भी ऐसा लग रहा है जैसे स्टेप आउट ऑफ बैंड बॉक्स, कि अभी बैंड बॉक्स से बाहर निकला हो। बैंड बॉक्स से मतलब यहाँ पर, मतलब बैंड बॉक्स से बाहर निकलने का मतलब है कि कोई इंसान दिखने में अभी भी इतना अट्रैक्टिव है, चतुर है, चालाक है, बातें करने के तरीके से, ये सब चीज़ें, मतलब अभी भी ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एकदम नया नया बंदा निकला है, कोई एकदम जवान है उस तरह से। दो ही बस 46, वो 46 साल का हो गया। यू वुड नेवर हैव टेकन हिम फॉर मोर देन 35, पर दिखने में अभी भी 35 साल ज़्यादा नहीं लगता, मतलब 20 साल लाइफ मजे किए, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं पाली उसने जिंदगी में, तो ऐसा लगता है अभी 35 साल का ही है। ही वॉज ए मोस्ट अम्यूजिंग कंपेनियन, एंड दो यू न्यू ही वॉज परफेक्टली वर्थलेस, यू वुड, यू कुड नॉट बट एन्जॉय हिज सोसाइटी। तो जो नैरेटर है, जो कहानी सुना रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ही वॉज ए मोस्ट अम्यूजिंग कंपेनियन, कि वो बहुत ही, मतलब उसका साथ, कंपेनियन मतलब साथी, बहुत ही अम्यूजिंग कंपेनियन, बहुत ही मजेदार साथी है टॉम, उसके साथ अगर जाओगे तो आप बहुत मजा आएगा आपको। दो यू न्यू ही वॉज परफेक्टली वर्थलेस, आप जानते होंगे भले कि ये बिल्कुल बेकार है, कुछ नहीं काम धंधा करता, परंतु स्टिल यू कुड नॉट बट एन्जॉय सोसाइटी, परंतु आप उसके साथ में जब होंगे तो आपको मजा ही आएगा, फुल मिला आप एंजॉय करोगे। ही हैड हाई स्पिरिट्स, वो हमेशा उत्साह में रहता है, एंड अनफेलिंग गेटी एंड इनक्रेडिबल चार्म, और हमेशा खुश रहता है, एंड इनक्रेडिबल चार्म, और उसके चेहरे पे क्या है, एक जबरदस्त चार्म है, अट्रैक्शन है। आई नेवर ग्रज द कॉन्ट्रीब्यूशन ही रेगुलरली लेविड ऑन मी फॉर द नेसेसिटीज ऑफ हिज एग्जिस्टेंस। अब वो बोल रहा है कि मैंने कभी भी इस बात पे, मतलब ये जो लाइन है ना, आई नेवर ग्रज द कॉन्ट्रीब्यूशन ही रेगुलरली लेविड ऑन मी फॉर द नेसेसिटीज ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, यानी कि मैंने इस बात पे कभी मतलब बुरा नहीं माना एक तरह से, क्योंकि उसने इस नैरेटर से भी कभी ना कभी पैसे लिए होंगे एक तरह से, मतलब उसको भी पैसे देने पड़ेंगे चार्म की वजह से, क्योंकि वो एक तरह से क्या करता था, एक तरह से उसने नैरेटर से पैसे कभी नहीं लिए होंगे, और नैरेटर ने उसको दे दिया, तो बोल रहा है मुझे इस बात का कभी बुरा नहीं लगा, ठीक है यार, उसने खुद की जरूरतों के लिए मेरे से भी निकलवाए लिए पैसे एक तरीके से। आई नेवर लेंट हिम 50 पाउंड विदाउट फीलिंग दैट आई वॉज इन इज डेट, और बोल रहा है कि मैंने उसे कभी 50 पाउंड देते हुए, मतलब मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं उसको 50 पाउंड भी दे रहा हूँ ना, कि भाई ये इसी के पैसे हैं, मैं तो उधार लेके बैठा हूँ उससे, तो इसको दे देता हूँ, मतलब उसके उसकी पर्सनैलिटी में ऐसा चार्म था, ऐसा अट्रैक्शन था, कि उसको पैसे दे रहा हूँ मैं बल्कि उसको उधार दे रहा हूँ,
कर्ज मैं दे रहा हूँ उसको, पर मुझे ऐसा फील होता था कि इसी के तो पैसे हैं, इसी का कर्ज मैं इसको वापस लौटा रहा हूँ। मतलब ऐसा फील होता था कि जैसे मैंने कर्ज दे रखा है इसको लौटा रहा हूँ, यानी मतलब बिल्कुल खुशी खुशी मैं उसको पैसे दे देता था। कहने का मतलब ये है, आई नेवर लेंट हिम 50 pounds नॉट फीलिंग दैट आई वॉज इन डेट हिज डेट टॉम राम से न्यू एवरी वन एंड एवरी वन न्यू टॉम राम से, मतलब टॉम राम से सबको जानता था, सब उसको जानते थे। यू कुड नॉट अप्रूव ऑफ हिम बट यू कुड नॉट हेल्प लाइकिंग, मतलब तुम उसे अप्रूव तो नहीं कर सकते थे, मतलब तुम उसकी बातों से सहमत तो नहीं होंगे, परंतु तुम उसे मतलब खुद को खुद उसको पसंद करने से तुम रोक भी नहीं सकते। मतलब तुम उसको पसंद करोगे करोगे, तुम्हें उसकी पर्सनैलिटी पसंद आएगी आएगी, उसका साथ पसंद आएगा ही आएगा। यानी तुम्हें भले ही उसकी बातें पसंद ना, मतलब तुम्हें भले ही उसकी बातों से तुम सहमत ना हो, परंतु तुम खुद को उसे लाइक करने से नहीं रोक सकते। पुअर जॉर्ज ओनली ए ईयर ओल्डर देन इज क्रेप ग्रेस ब्रदर लुक्ड 60। और कहने मतलब बता रहा है कि जो पुअर जॉर्ज जॉर्ज है वो सिर्फ 1 साल बड़ा है अपने भाई से, परंतु वो 60 साल का दिखाई दे रहा है अभी से, मतलब वो दिखने में 60 साल लग रहा है, और उसका भाई रियल में कितने का है, रियल में उसका भाई 46 का है और ये 47 का है, ठीक है अभी एट प्रेजेंट, परंतु ये दिखने में 47 का भी दिखने में कैसा लग रहा है, 60 का, और उसका भाई 46 का और के भी 35 का दिख रहा है। ही हैड नेवर टेकन मोर देन अ फोर्टनाइट हॉलीडे इन द ईयर फॉर अ क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी। वो बोल रहा है कि लगभग 25 साल से इसने आज तक मतलब जॉर्ज के लिए बोल रहा है, जॉर्ज ने 25 साल से आज तक पूरे साल में 15 दिन की भी छुट्टी नहीं ली, मतलब इतना काम ही काम किया है। ही वॉज इन इज ऑफिस एवरी मॉर्निंग, वो सुबह सुबह 9:30 9:30 अपने ऑफिस पहुंच जाता है और कभी भी 6 बजे से पहले लौटता नहीं है ऑफिस से। ही वॉज ऑनेस्ट, वो हमेशा ईमानदार रहा है, इंडस्ट्रियस मेहनती रहा है, एंड वर्दी और लायक रहा है। ही हैड ए गुड वाइफ, उसकी एक अच्छी पत्नी भी है, टू हूम ही हैड नेवर बीन अनफेथफुल इवन इन थॉट, और उसकी अपनी पत्नी की तरफ वो कभी भी अनफेथफुल नहीं रहा, कभी भी धोखा नहीं दिया उसने अपनी पत्नी को। एंड 4 daughters टू हूम ही वॉज द बेस्ट ऑफ फादर्स, और अपनी 4 बेटियों के लिए वो सबसे अच्छा पिता भी है। कुल मिला के वो अपनी पूरी घर की जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह निभा रहा है और पूरी मेहनत करता है 20-25 साल से। ही मेड ए पॉइंट ऑफ सेविंग 1/3 ऑफ हिज इनकम एंड इज प्लान फॉर टू रिटायर एट 55 टू ए लिटिल हाउस इन द कंट्री। और उसका एक मतलब उसने इसके दिमाग में एक आइडिया है, ही हैड ए पॉइंट ऑफ सेविंग, कि वो पैसा क्यों बचा रहा है, कि भाई मैं अपनी पैसा जो इनकम का 1/3 वो पैसा बचाता है किस चीज के लिए, उसने प्लान बना रखा है कि वो 55 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा और उसका गांव में घर होगा, छोटा घर होगा, जहां पे वो गार्डन उगाएगा, गार्डन मतलब गार्डन को संभालेगा, गार्डन उगाएगा एंड प्ले गोल्फ और गोल्फ खेलेगा। मतलब 55 साल में रिटायर हो जाएगा, जो पैसे उसने आज तक सेव किए हैं उनसे जिंदगी आराम से बिताएगा, वहाँ गार्डन संभालेगा, पेड़ पौधे उगाएगा, गार्डन बनाएगा और साथ में गोल्फ खेलेगा। हिज लाइफ वॉज ब्लेमलेस, और उसकी लाइफ बिल्कुल ब्लेमलेस है, उस पर आपको कोई दाग नहीं दिखेगा। जॉर्ज ने अपनी जिंदगी बहुत मेहनत से गुजारी है, उस पर कोई दाग नहीं मिलेगा आपको। ही वॉज ग्लैड दैट ही वॉज ग्रोइंग ओल्ड बिकॉज टॉम वॉज ग्रोइंग ओल्ड टू, वो खुश था कि वह बूढ़ा हो रहा है, क्यों, क्योंकि टॉम भी तो बूढ़ा हो ही रहा है, भले ही दिख नहीं रहा था क्या हुआ। ही रब्ड हिज हैंड्स एंड सैड, उसने अपने हाथ यूं रब किए और कहा, इट वॉज ऑल वेरी वेल, सब कुछ बहुत बढ़िया था वेन टॉम वॉज यंग एंड गुड लुकिंग, जब टॉम जवान था अच्छा दिखता था, बट ही इज ओनली ईयर यंगर, परंतु वो है तो 1 ही साल छोटा ना, देन आई एम, मेरे से इन 4 years ही विल बी 50, और 4 साल में वो 46 से 50 का हो जाएगा टॉम। ही वॉन्ट फाइंड लाइफ सो इजी देन, और तब तो उसकी जिंदगी कठिन हो ही जाएगी, अभी तो ठीक है अब तक तो मजे कर लिए, पर 50 साल की उम्र में तो जिंदगी कठिन हो ही जाएगी। आई शैल हैव 35,000 pounds बाय द टाइम आई एम 50, मैं 50 साल का होऊंगा जब तक मेरे पास 35,000 pounds इकट्ठे हो जाएंगे जो मैंने बचा बचा के रखे हैं। 4 25 years आई हैव सेड दैट टॉम वुड एंड इन द गटर, 25 साल तक मैंने कहा है, मतलब जॉर्ज बता रहा है बोल बातें कि 25 साल तक मैंने कहा कि टॉम तो एंड में गटर में ही जाएगा पक्का, जिंदगी इतनी मौसम कर ली एंड बुढ़ापे में कोई पैसे नहीं देने वाला, एंड वी शैल सी हाउ ही लाइक्स दैट, और तब देखते हैं कि क्या होता है, मतलब कैसा लगता है। वी शैल सी इफ इट रियली पेज बेस्ट टू वर्क बी एडल्ट, कि एंड में पता चलेगा कि काम करने पर मतलब काम करेगा इंसान उसको रिवॉर्ड मिलेगा, कि जो नालायकी से उसने समय बिता दिया उसको रिवॉर्ड मिलेगा, किसको इनाम मिलेगा। तो मतलब कहने का मतलब ये चीज़ें जॉर्ज बोल रहा है खुद के और टॉम के बारे में, है ना। अ पुअर जॉर्ज, आई सिंपथाइज विद हिम, आई वंडर्ड नाउ एज आई सेट डाउन बिसाइड हिम एंड वॉट इनफेमस टॉम थिंग टॉम हैड डन, जॉर्ज वॉज एविडेंटली वेरी मच अपसेट। अब करंट में आ गए, पीछे का सब डिस्क्रिप्शन खत्म हो गया। अब वो जो वो उदास बैठा हुआ है जॉर्ज, तो नैरेटर उसके पास में गया, अब वो बोल रहा है पुअर जॉर्ज, बेचारा जॉर्ज, आई सिंपथाइज, ये जो पुअर जॉर्ज जैसे लिखते हैं ना, ये पुअर मतलब गरीब जॉर्ज नहीं है, इसका मतलब बेचारा, पुअर जॉर्ज, बेचारा जॉर्ज, आई सिंपथाइज विद हिम, मुझे उससे सहानुभूति हुई, जो कहानी सुना रहा है, कहानी कथानक जो है, जो नैरेटर है वो बोल रहा है कि मुझे उसके साथ में सहानुभूति हुई। आई वंडर्ड, मैंने सोचा, नाउ एज आई सेट डाउन बिसाइड हिम, जब मैं उसके बगल में बैठा हुआ था तो मैंने सोचा कि वॉट इनफेमस थिंग टॉम हैड डन, कि अब टॉम ने ऐसा क्या कांड कर दिया भाई। जॉर्ज वॉज एविडेंटली वेरी मच अपसेट, जॉर्ज बहुत ज्यादा अपसेट था उस दिन। तो डू यू नो वॉट हैपेंड नाउ, ही आस्क्ड मी, तो जॉर्ज ने खुद नहीं बोला, क्या तुम्हें पता है इस बार क्या हुआ है,
उसने मेरे से पूछा, मतलब जो कहानी सुना रहा है नैरेटर से पूछा कि क्या तुम्हें पता है इस बार मेरे साथ क्या हुआ है। आई वॉज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, तो मैं एकदम रेडी था, मैं बैठा था। मैं कौन मतलब कहानी सुनाने वाला। नैरेटर बोल रहा है कि भाई मैं बिल्कुल आई वॉज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ये सबसे बुरी खबर आने वाली है इसकी जिंदगी की। तो मैं एकदम तैयार बैठा था कि अब क्या कर दिया टॉम ने। आई वंडर्ड इफ टॉम हैड गॉट इन टू द हैंड्स ऑफ द पुलिस एट लास्ट। और मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे डाउट हो रहा था कि शायद इस बार टॉम पक्का जेल पहुंच गया है, पुलिस के हाथों लग गया है। जॉर्ज कुड हार्डली ब्रिंग हिमसेल्फ टू स्पीक। जॉर्ज बोल ही नहीं पा रहा था मुश्किल से, मतलब वो अपनी बात को बताने में बहुत संकोच में था, मतलब वो बोल ही नहीं पा रहा था। यू आर नॉट गोइंग टू डिनाई दैट ऑल माई लाइफ। तो वो नैरेटर से बोलता है जॉर्ज कि तुम इस बात को मना नहीं करोगे, यू आर नॉट गोइंग टू डिनाई, तुम इस बात को मना नहीं करोगे दैट ऑल माई लाइफ आई हैव बीन वर्किंग हार्ड, आई हैव बीन हार्ड वर्किंग, कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में बहुत ही मेहनती रहा हूँ, डिसेंट और मतलब अच्छा व्यक्ति रहा हूँ, रेस्पेक्टेबल, समाज में मेरा सम्मान भी है, एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, हमेशा सीधा सादा एकदम सीधी बात बोलने वाला रहा हूँ। आफ्टर ए लाइफ ऑफ इंडस्ट्री एंड थ्रिफ्ट आई कैन लुक फॉरवर्ड टू रिटायरिंग ऑन स्मॉल इनकम इन गिल्ट एज सिक्योरिटी, कि मतलब पूरी जिंदगी भर मेहनत करने के बाद में पैसे बचा बचा के मैं किस बार मैं देख रहा हूँ कि भाई अब मैं रिटायर होऊंगा एक छोटी सी इनकम 35,000 पाउंड के ऊपर मैं अपनी जिंदगी बिताऊंगा। आई हैव ऑलवेज डन माई ड्यूटी इन दैट स्टेट ऑफ लाइफ इन विच इट इज इट हैज प्लीज प्रोविडेंस टू प्लेस मी। मैंने हमेशा अपने काम वैसे, मतलब मैंने हमेशा भगवान, मतलब प्रोविडेंस टू प्लेस, मतलब भगवान ने जो मुझे आज तक जिस काम में लगाया है ना, मैंने उस काम को बड़ी शिद्दत से किया है, मतलब हमेशा अपनी ड्यूटी को सही तरह निभाया है। तो नैरेटर बोलता है सही बात है, बिल्कुल ट्रू, तुम सही कह रहे हो। मतलब नैरेटर बोलता है जॉर्ज से, तुम सही कह रहे हो, तुम तो ऐसे ही थे। एंड यू कैन नॉट, यू कैन डिनाई दैट टॉम हैज बीन एन आइडल, वर्थलेस, डिसोल्यूट एंड डिसऑनरेबल रो। और फिर वो आगे बोलता है जॉर्ज नैरेटर से, और तुम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते टॉम कैसा रहा है, आइडल, बिल्कुल ही मतलब बेकार बैठा रहने वाला, वर्थलेस, किसी काम का नहीं, डिसोल्यूट एंड डिसऑनरेबल रोग, मतलब जिसमें कोई सम्मान नहीं जिसका, ऐसा वो मतलब भटकने वाला इंसान रहा है। इफ देर वर एनी जस्टिस ही वुड बी इन द वर्क हाउस। अगर कहीं पर भी कोई भी मतलब न्याय है इस दुनिया में, अगर न्याय है तो जो टॉम है वो एंड में कहाँ जाके पहुंचेगा, जेल में, जेल में जहाँ काम करते हैं ना, छोटे मोटे कैदियों से काम करवाते हैं, उसके बदले थोड़े से पैसे देते हैं उनको, मतलब वहीं पहुंचेगा। मतलब जिस तरह टॉम ने जिंदगी बिताई है उसको एंड में अगर कहीं पर न्याय है दुनिया में तो टॉम कहाँ जाके पहुंचना चाहिए, वो पहुंचना चाहिए वर्क हाउस में। वर्क हाउस मतलब एक जगह होती है जेल में जहाँ पर कैदियों से काम कराया जाता है, उनके बदले में थोड़ा पैसे दे देते हैं उसको, ठीक है, तो वहाँ पहुँच जाएगा। तो नैरेटर बोलता है ट्रू, सही बात है, बिल्कुल ये बात भी तुम सही बोल रहे हो। अब जॉर्ज ग्रू रेड इन द फेस। अब अचानक ही जॉर्ज चेहरे पे एकदम लाल हो गया, चेहरा जॉर्ज का कैसा हो गया, लाल हो गया। अ फ्यू वीक्स अगो ही बिकेम इंगेज टू ए वुमेन ओल्ड इनफ टू बी हिज मदर। अब बता रहा है कहानी, वो बोल रहा है कि कुछ वीक पहले की बात है, जो टॉम है ना उसने शादी कर ली, इंगेजमेंट कर ली, मतलब उसने सगाई कर ली किससे, एक औरत से। कैसी औरत से, ओल्ड इनफ टू बी हिज मदर, उसकी माँ की उम्र की औरत से शादी कर ली है टॉम ने। एंड नाउ शी इज डेड, और अब वो औरत मर गई है। एंड लेफ्ट हिम एवरीथिंग शी हैड, और उसने उसके नाम पे सारी जायदाद छोड़ दी है टॉम के नाम पे, हाफ ए मिलियन पाउंड, 5 लाख पाउंड। हाफ ए मिलियन का मतलब 5 लाख, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 5 लाख पाउंड उसके नाम छोड़ दी गई है। एक याच और एक नाव, एक घर लंदन में, एक घर कंट्री साइड में, गांव में, मतलब ऐसो आराम की सारी चीज छोड़ गई है। देखो 5 लाख तो पाउंड छोड़ गई, साथ में एक याट। याट क्या होती है एक्चुअली, वो होती है एक ऐसी नाव जिसमें एकदम घर की तरह होती है, मतलब सब ऐसो आराम की इसमें सामान होते हैं, तो तुम उसे चला के इधर उधर निकल जाओ, घर का तुम्हारा घर ही एक तरह से वो। और हाँ, लंदन में एक घर है, घर छोड़ गई है, साथ में गांव में भी घर छोड़ गई है, कंट्री में भी। अब जॉर्ज रामजे बीट हिज क्लेंस्ड फेस ऑन द टेबल। ये सब बता रहा था जॉर्ज उसको, नैरेटर को, और उसने ये सब बता कि वो अपनी हथेलियां जोर जोर से पीटने लगा टेबल पे कि इट्स नॉट फेयर, कि ये सही नहीं है। आई टेल यू, मैं तुम्हें बताता हूँ, इट्स नॉट फेयर, ये बिल्कुल सही नहीं है। डैम इट, इट्स नॉट फेयर, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं जिंदगी में मेहनत करी है, इसने कुछ नहीं किया, फिर भी एंड में देख कितना पैसा मिल गया है, कितनी धन दौलत मिल गई है। आई कुड नॉट हेल्प इट। अब जो नैरेटर है ना ये सब सुन के बोल रहा है मैं खुद को रोक नहीं पाया। आई बस्ट इनटू अ शाउट ऑफ लाफ्टर एज आई लुक्ड एट जॉर्ज रेसल फेस। मुझे बहुत जोर की हंसी आ गई। वो बोल रहा है कि नैरेटर बोल रहा है मैं जब देखा जॉर्ज को मैंने ऐसी बुरी कंडीशन में, मैं रोक ही नहीं पाया खुद को, और मुझे बहुत जोरदार हंसी आ गई। आई रोल्ड इन माई चेयर, मैं अपनी चेयर पे एकदम घूम गया और एकदम झूम उठा हंसी के मारे। आई वेरी नियरली फेल ऑन द फ्लोर, मैं बिल्कुल छत पे ही गिरा होता हंस हंस के। जॉर्ज नेवर फॉरगिव मी, जॉर्ज ने मुझे जिंदगी में कभी माफ नहीं किया मेरी उस हंसी पर। बट टॉम ऑफन आस्क मी टू एक्सलेंट डिनर्स इन हिज चार्मिंग हाउस इन मेफेयर। और परंतु टॉम जो था ना वो मुझे अक्सर बुलाया करता था अपने अच्छे सुंदर घर में खाने के लिए। एंड इफ ही ओकेशनली बोरोज ए ट्राइफल फ्रॉम मी दैट इज मेयरली फ्रॉम द फोर्स ऑफ हैबिट, इट इज नेवर मोर देन इज सोवरन।
और बोल रहा है कि कभी कभी टॉम मेरे से पैसे भी लेता था, इतने पैसे होने के बाद में भी मेरे से कभी पैसे ले लेता था, क्योंकि उसकी आदत में था पैसे उधार लेना। तो वो कभी कभी थोड़े बहुत पैसे लेता था, वो भी सिर्फ उसकी आदत थी इसलिए मेरे से ले लेता था, परंतु वो कभी भी ज़्यादा नहीं थे, थोड़े बहुत लेता था बस। तो ये कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। मतलब देखो, आंट एंड ग्रॉसपर वाली कहानी समझ में आई ना, कि ग्रास ऑपर ने पूरी सर्दियों में मौज करी, बस पूरी गर्मी में मौज करी, और सर्दियों में आंट ने फिर खाना दे दिया था चींटियों से। पहले मना कर दिया पर खाना दे दिया था, तो एक तरह से उसे मेहनत करनी नहीं पड़ी और खाना मिल गया फिर सर्दियों में। आंट बेचारी पूरी मेहनत करती रही और सर्दियों में, तब जाके वो अपने लिए कुछ इकट्ठा कर पाई। तो वही बात हो गई, जॉर्ज पूरी जिंदगी भर मेहनत करता रहा, एंड में 35,000 पाउंड बचा पाया खुद के रिटायरमेंट के लिए, और उसका भाई जिंदगी भर मौज ऐश मौज करता रहा, अपने भाई को परेशान करता रहा, उधार लेता रहा सब जगह से, पूरी जिंदगी भर मौज करी, और एंड में एक बूढ़ी औरत से शादी करी, औरत मर गई, सारे धंधे उसके नाम छोड़ गई, और अब वो ऐश करेगा। तो मतलब मेहनत का रिवॉर्ड जॉर्ज को तो मिला नहीं, टॉम को बिना मेहनत का ही रिवॉर्ड मिल गया। तो भाई ये कहानी है। अब इसमें से क्वेश्चन क्या बनेंगे, नहीं इसमें क्वेश्चंस जो बन सकते हैं ना आपके, वो यही बन सकते हैं कि मतलब इसकी जो शिक्षा है ना इसके ऊपर, इससे क्या शिक्षा मिलती है। देखो मैं एक बात बताऊंगा, ऐसा सिर्फ कुछ ही सीन में होता है। आप ये सोच के मत लेना कि भाई मेहनत तो हम करेंगे नहीं, हम मेहनत नहीं करेंगे, हम फिर भी हम सब मजे होंगे जिंदगी में, ऐसा नहीं होता है। ये स्टोरी सिर्फ एक्सेप्शंस में है, मतलब किसी की किस्मत बहुत जोरदार हो और ऐसी बात हो कि उसके साथ में ऐसी कोई घटना हो, जैसे लॉटरी लग गई, पैसे लग गए बहुत सारे, कुछ ऐसी घटना हो जाए तो ही अलग बात है, अदरवाइज मेहनत का फल मिलता ही मिलता है। कुछ ही रेयर केसेस हो सकते हैं, मतलब मैं बोलता हूँ 100 में से 78 97-98 टाइम्स तो मैं पक्का मानूंगा कि जो आदमी मेहनत करेगा उसको मिलेगा फल। कोई एक दो ऐसे लोग होंगे जो किसी बदकिस्मती की वजह से रह जाए, या किसी वजह से कि उनको मेहनत का फल नहीं मिला हो, परंतु मेहनत करने पर ही फल मिलता है, इस बात को हम नकार नहीं सकते। ये कहानी है, इसने एक एक्सेप्शन दिया है कि भाई जरूर नहीं कि हर बार मेहनत का फल मिले, परंतु इसको आप सच मत, मतलब इसको आप अपने दिमाग मत बैठा लेना कहीं कि मौज मस्ती करेंगे जिंदगी सुधर जाएगी, ऐसा नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। देखो इस स्टोरी में जैसा मैंने आपको बताया था एक चीज़, कि एट द एंड में बताऊंगा आपको, मतलब एक चीज़ बताऊंगा कि एक डायलॉग फेमस है, वो डायलॉग कौन सा है, वो डायलॉग है, आपने मूवी देखी होगी थ्री इडियट्स, थ्री इडियट्स में, कि दोस्त फेल हो जाए तो बुरा लगता है, अगर दोस्त के ज़्यादा नंबर आ जाए तो और भी बुरा लगता है। तो वहाँ पर दोस्त ने मेहनत करी तब भी बुरा लग रहा है इंसान को, यहाँ पर तो भाई ने मेहनत नहीं करी उसके बाद में भी वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया एट द एंड, तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा। ये इंसानी नेचर ही है कि आप खुद को सफल होते देखते खुश होते हो, सामने वाले को, अपने रिलेटिव्स को, दोस्त को सफल होते देखते खुश होते हो, परंतु अगर वो ज़्यादा सफल हो जाए तो आपके मन में कहीं ना कहीं हल्का सा वो दुख रहता है, अरे यार मैं तो पीछे रह गया, वो मेरे से ज़्यादा सक्सेसफुल है, भले ही मेहनत करके बनाओ या बिना मेहनत करके बनाओ, दुख दोनों में होता है। तो वो वाली चीज़ मैं बताने वाला था, और बाकी क्वेश्चन तो भाई इसमें क्या ही बन सकते हैं उनको, तो इसमें एक सिर्फ ये मॉरल पे क्वेश्चन बन सकता है, सही बताऊँ तो इस स्टोरी का मॉरल क्या है, क्या मैसेज देना चाहते हैं राइटर, तो मैसेज यही देना चाहते हैं कि जरूर नहीं कि हर बार मेहनत का फल मिले, परंतु मेहनत फिर भी करनी चाहिए। एक्चुअली ये राइटर नहीं बोला, ये मैं बोल रहा हूँ आपके फायदे के लिए, ठीक है। परंतु साथ में आप राइटिंग स्टाइल पे बन सकता है, समरसेट मॉम की राइटिंग स्टाइल पे बन सकता है। साथ में एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि आंट एंड ग्रास हॉपर की स्टोरी और इसमें जो जॉर्ज एंड टॉम की स्टोरी जो है ना, इनके बीच में मतलब किस तरह से समान है, एक तरह से इसमें किस तरह से टॉम एक ग्रास हॉपर है और जॉर्ज किस तरह से आंट है, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। और आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, ऐसे सिंपल स्टोरी थी, मैंने एक्चुअली पूरी पढ़ के सुना दी आपको, अदरवाइज मैं नहीं सुनाता ऐसे ही सुना देता ना तो भी सही रहता, बिना पढ़े ही मैंने लाइन टू लाइन फिर भी आपको समझा दी है, परंतु इजी जनरली मैं आगे अवॉइड करूंगा, जो इजी लैंग्वेज में होंगे ना उनको मैं आपको डिटेल में समरी समझा दिया करूंगा, और जो टफ होंगे ना, जो आपको समझ में आना मुश्किल होगा, उनको मैं आपको समझाया करूंगा लाइन टू लाइन। तो चलो आई होप आपको इस समझ में आई होगी, कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे नीचे मैसेज करें ना, कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ लेना कि सर ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और जल्दी देख नेक्स्ट लेक्चर के साथ में जल्दी मिलेंगे, अभी मैं एक्चुअली सेकंड ईयर का स्टार्ट करने वाला हूँ सिलेबस, कल से परसों किसी दिन से भी सेकंड ईयर का स्टार्ट करूंगा, वो सेकंड ईयर की एग्जाम होने वाली है, भूलो मत, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने टाइम टेबल जारी कर दिया है, और ब्रिज यूनिवर्सिटी भी कर देगी, बाकी यूनिवर्सिटीज भी सब कर देंगी, तो अब जल्दी टाइम टेबल आ जाएगा आपका सेकंड ईयर का भी, राजस्थान यूनिवर्सिटी वालों का तो आ गया, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, टिल देन गुड बाय।